नेस्टेड इफ हमारा आज का टॉपिक है कि नेस्टेड इफ में हम कैसे क्या करेंगे ये हम आज बताने वाले हैं। तो कुछ वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे जो आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए कि मुझे इसको और इसमें से ग्रेटर देन 50 वाले को चाहिए, तो इसके लिए हम इफ चाह लेते हैं कि हाँ ग्रेटर देन इंसेंटिव देना है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे INC इंसेंटिव देना है, तो मुझे ग्रेटर देन 50 है उनको इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना, अदरवाइज 0 देना है। जब दो कंडीशन होती है कि मान लीजिए 50 टू 80 के बीच की वैल्यू को मुझे 500 देने हैं, तो उस केस में मैंने बताया था कि हम एंड का फॉर्मूला इफ के साथ लगाते हैं, इफ और फिर यहाँ पे एंड और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे बोलेंगे ग्रेटर देन 50 और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे बोलेंगे लेस देन 80। ऐसा हुआ तो 500 अदरवाइज जी। ओके आएगा सर? जी सर। ये हमारा था। अब यहाँ पे ये तो सर ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक हम एंड का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब हम मल्टीपल रिजल्ट हमारा हमारा मल्टीपल कंडीशन है और सिंगल रिजल्ट। अगर रिजल्ट बढ़ गया कि भाई लेस देन 50 वाले को मुझे 100 देना है, ग्रेटर देन 80 वाले को मुझे 250 देना है और 50 टू 80 वाले को 500 देना है, तो इस केस में हम एंड नहीं लगा सकते। तो एंड वहां पे लगता है जहां पे आपका मल्टीपल कंडीशंस तो हो पर रिजल्ट सिंगल। ठीक है सर? ओके। तो यहां पे मैंग जी क्या करेंगे कि हम लगाएंगे नेस्टेड इफ फॉर्मूला। हम देंगे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर अगेन इफ देंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है। ऐसा हुआ तो यहाँ पे 500 आएगा। ऐसा ना हुआ मतलब कि ग्रेटर देन 50 से तो है लेकिन 80 से छोटा है, 80 से छोटा नहीं 80 से बड़ा है, तो उस केस में हम यहाँ पे 250 देंगे। फिर इसमें हम देंगे वापस कॉमा कि अगर 50 से छोटा हुआ तो ग्रेटर देन 50 नहीं हुआ तो 100। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। ठीक है सर? अब एंटर प्रेस करके हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। क्लियर है जी? तो यहां पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा बेहतर रूप से किया जाए, जैसे कि मैंने यहां पर नेम दे दिया और यहां पे हम नेम दे देते हैं कुछ नेम और यहां हम जैन फै मार्च दे देते हैं। नहीं, जैन फै हमने सब्जेक्ट कर देते, सब्जेक्ट सही रहेगा। सारे सब्जेक्ट रखते हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब यहां पे मुझे स्टेटस शो करना है, मतलब रिजल्ट शो करना है। रिजल्ट ये शो करना है कि अगर सबके सब जो आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे रिजल्ट ग्रेटर देन 50 है, सारे के सारे नंबर्स अगर 50 से ऊपर है तो रिजल्ट में ट्रू आना चाहिए या फिर फॉल्स आना चाहिए, मतलब कि पास और फेल मुझे करना है, पास और फेल हमें करना है। ठीक है सर? तो इसके लिए क्या करें, तो यहां पे हमें पता है जस्ट एंड तब लगाएंगे भाई सारे रिजल्ट अगर 30 से ज्यादा हैं तो मुझे पास देना है और फेल देना है। बस मेरे पास दो रिजल्ट दो है तो इसके लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है?
एंड इज इट ट्रू है? लेकिन मान लीजिए मुझे ये भी दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, सब्जेक्ट वन फेल, सब्जेक्ट टू फेल, सब्जेक्ट थ्री फेल, किस सब्जेक्ट में फेल है, मुझे इसको भी शो करना है, तो दिक्कत हो जाएगी ना क्या जी? उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाएंगे, यहाँ देंगे कि इफ पहली कंडीशन, यहां से देखिएगा कंडीशन थोड़ा बड़ा होगा इसमें, फिर इफ सेकंड कंडीशन, देन इफ थर्ड कंडीशन, अगेन इफ एंड फोर्थ कंडीशन। तो अगर पहला इफ ने रिजल्ट ट्रू दिया तो आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे इफ में अगर ट्रू दिए तो दूसरे इफ पे जाएगा, तीसरे इफ ने अगर ट्रू दिया तो चौथे पे जाएगा, और चौथे इफ ने ट्रू दिया तो पांचवें पे जाएगा। ठीक है सर? तो क्या होगा कि वन बाय वन जो है चेक करेगा, और चौथे तक पहुंच गए से मतलब कि सारे सब्जेक्ट पास है, नहीं कि पहुंचा तो चौथा सब्जेक्ट, यानी कि चौथे में नहीं हुआ चौथा सब्जेक्ट फेल हुआ। तो हर इफ का दो पार्ट होता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ध्यान से देखिए, ये चौथा इफ है, इसके ट्रू पार्ट में फॉल्स है, ट्रू पार्ट में पास है, फॉल्स में फेल है, और ये जो चौथा इफ है वो तीसरे इफ के ट्रू पार्ट में है, कॉमा देते ही देखिए तीसरे इफ का फॉल्स पार्ट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री फेल, फिर तीसरा इफ भी दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में है, कॉमा देते ही फॉल्स पार्ट आ गया, सब्जेक्ट टू फेल, और आपका तीसरा दूसरा इफ जो है पहले इफ के ट्रू पार्ट में है, तो सब्जेक्ट वन। ठीक है सर? क्लियर हुआ जी? इसमें सर एक बार वैल्यू दिखाओ, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सामने है ना, पास होते हैं फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले भी इसने इसको चेक किया, फेल कर दिया। बट इसमें S3, S4 भी आना चाहिए। नहीं तो सर एक सेल में किसी एक सेल की वैल्यू आएगी ना, ये तो पहले ही चेक करेगा ना सर, यहाँ पे जैसे ही इसने चेक किया, तीसरा चेक किया, इसको मिल गया, तो फिर वो चौथे में थोड़ी जाएगा, सीधे बाहर निकल गया यहाँ से। यहाँ देखिए समझिए क्या होगा कि पहला ये जो आपका इफ हो रहा है, पहला इफ चेक करेगा, अगर पहला इफ फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, समझ गए? हेलो ना, एक दोबारा दिखाता हूँ, अब यहां समझिए कि अगर पहला इफ फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉलो करेगा, नहीं तो सीधे यहां पे इसको शो कहेगा शो करने के लिए। ठीक है? दूसरा इफ अगर फुलफिल हुआ तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे यहां पे एस टू को शो कर देगा। तीसरा इफ अगर फुलफिल हुआ, तीसरा इफ फुलफिल हुआ तो चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज तीसरा इफ इसको आ जाएगा, देन चौथा इफ हुआ तो पास को देगा, नहीं तो फेल को देगा। तो अगर मान लीजिए यहीं पे ब्रेक हो जा रहा है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो सीधे अपना रिजल्ट शो कर देगा। ओके सर जी? तो इसलिए इसमें एक ही सब्जेक्ट दिखेगा, दो ने दो डिस्ट्रिक्ट दिखाना है तो फिर उसके दूसरा तरीका अपनाना होगा। ठीक है?
अब यहां पे हम बात करते हैं और की, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए सैटरडे एंड संडे डला हुआ है, तो मुझे सैटरडे संडे को वीकेंड करना है और उसको वीक ऑफ करना है, हम इसके लिए और लगा दिया था। तो सैटरडे एंड संडे को मैं वीकेंड करना, सैटरडे को हाफ डे करना है, संडे को वीकेंड करना है, बाकी को हमें ऑफिस करना है, ठीक है। तो यहां पे हम पहला कंडीशन देंगे, यहां पे देखिए, इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे हुआ, ध्यान से देखिएगा, मुझे एन में क्या था कि दूसरा इफ तब चलेगा जब पहला इफ ट्रू होगा, यहां पे कि दूसरा इफ तब चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा, कि ए वन सैटरडे है तो यही पे हाफ डे शो कर दीजिए और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आगे जाइए कि इफ अगर ए इक्वल टू संडे हुआ तो ऑफ, ठीक है। फिर अगला अगला जो हो जाएगा इसमें तो बाकी तो बचेगा वही, उसको तो कोई रिजल्ट देना ही है, तो यहां पे सिंपल सा कर देते हैं वीक डे, ठीक है, समझे जी। तो एंड और समझ में आ गया जी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ओके, तो एक बार एंड और की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, एंड और नेस्टेड इफ, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल बताएंगे, साथ में आपको एक प्रैक्टिस फाइल मतलब कि टेस्ट फाइल देंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले कैटेगरी। आप कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की रिपीटेशन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर,